आपने हमें भरपूर सहयोग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों की ढेरों प्रविष्ठाएं हमारे प्रतिष्ठान तक पहुंची। हमारे प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर चयन समिति के सम्मानीय सदस्यों द्वारा 6 व्यक्ति और 18 साल से कम उम्र वाले 2 बच्चों को आगामी 14 फरवरी 2023 को शाम 5:30 बजे राजरत्न पुरस्कार से सीनियर भोसला पैलेस महल नागपुर में सम्मानित किया जाना है। हमारे प्रतिष्ठान द्वारा महाराष्ट्र अंचल से पत्रकारिता मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु महेश उपदेव को श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोसले स्मृति पुरस्कार से, साहित्य एवं इतिहास क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु विस जोग को श्रीमंत राजे मोधोजी महाराज उर्फ अप्पा साहेब भोसले स्मृति पुरस्कार से, खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु गिरीश उपाध्याय को श्रीमंत राजे बहादुर रघुजी महाराज भोसले स्मृति पुरस्कार से, संगीत व वादन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु नरेंद्र नाथ मेनन को श्रीमंत राजे बहादुर फतेह सिंह महाराज भोसले स्मृति पुरस्कार से, पत्रकारिता के क्षेत्र में छाया चित्रकार एवं दूरचित्र वाहिनीकार में उल्लेखनीय कार्य हेतु मुकेश कुकड़े को श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज भोसले उर्फ चिमणा बापू स्मृति पुरस्कार से, विशेष कार्य हेतु अनिल पालकर को श्रीमंत राजे बहादुर अजीत सिंह महाराज भोसले स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका जो आयोजन किया गया है, ये पिछले 11-12 वर्षों से ये आयोजन होता आ रहा है। 2 साल कोविड के कारण ये आयोजन नहीं हो पाया, पर अविरत इसका फिर से आयोजन हो रहा है। 14 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है। हम विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का चयन करके उन्हें ये पुरस्कार हम देते हैं। इस वर्ष ये पुरस्कार 14 फरवरी को शाम को 5:30 बजे यानी 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। ये हमारे भोसला पैलेस महल में के प्रांगण में इसको आयोजित किया गया है। इस वर्ष पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु श्री महेश उपदेव जी को इस वर्ष श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोसले प्रथम स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। साहित्य एवं इतिहास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु श्री विशद जोग साहब को श्रीमंत राजे मुधोजी महाराज उर्फ अप्पा साहेब भोसले द्वितीय स्मृति में ये पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। खेल क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु श्री गिरीश जी उपाध्याय जो कि वर्धा से है, इनको श्रीमंत राजे बहादुर रघुजी महाराज भोसले चतुर्थ स्मृति पुरस्कार से इस बार उनको सम्मानित किया जा रहा है। संगीत और वादन क्षेत्र में इस बार संगीत क्षेत्र के उल्लेखनीय कार्य हेतु श्री नरेंद्र नाथ मेनन जी को श्रीमंत राजे बहादुर फतेह सिंह राव महाराज भोसले स्मृति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जा रहा है। पत्रकारिता छायाचित्रकार क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु श्री मुकेश कुकड़े जी को खंडोजी महाराज उर्फ चिमना बापू स्मृति पुरस्कार से सम्मानित है, और विशेष कार्य हेतु श्री अनिल पालकर जी को श्रीमंत राजे बहादुर अजीत सिंह राव महाराज भोसले स्मृति से सम्मानित है। इनका चयन मानकों के आधार पर हम करते हैं। जो भी हमारे पास निवेदन आते हैं उस निवेदन के ऊपर ये हमारी एक सिलेक्शन कमेटी है इस अलग अलग क्षेत्र की, वो उसका चयन करती है। बच्चों को 2 पुरस्कार हम देते हैं 18 वर्ष के नीचे के। उसमें क्रीड़ा क्षेत्र में कुमारी हितवी विनय शाह जो उसको श्रीमंत छत्रपति संभाजी महाराज भोसले स्मृति पुरस्कार से हम सम्मानित कर रहे हैं, जो मुंबई से है। विशेष कार्य हेतु कुमारी मृदुल मोहन घनोटे को श्रीमंत महाराणा प्रताप के स्मृति प्रीत्यर्थ सम्मानित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में परम पूज्य माननीय मोहन भागवत साहब ये कार्यक्रम के अध्यक्ष रूप में यहाँ उपस्थित रहने वाले। उसी प्रकार कार्यक्रम के उद्घाटक के रूप में सुश्री अनुसुईया जी विखे राज्यपाल छत्तीसगढ़ ये वहाँ उपस्थित रहने वाली है, और तथा प्रमुख उपस्थिति हमारे प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्रीमंत राजे रघुजी राव भोसले पंचम ये वहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप जरूर आए, और ये कार्यक्रम की पूरी मालूमात आप अपने माध्यम के द्वारा आप देंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं और निवेदन करता हूं। ये पुरस्कार का 15वां साल। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।